आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम पीएम मोदी वेलकम इन डिफू एंड असम। चलिए देखते हैं आप वीडियो और देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर है, विकास की कई परियोजनाएं यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं।
जी भाई, इतना पुरजोश वेलकम जो किया है अवाम ने भाई, ये तो अवाम ने पुरजोश तो भाई वेलकम करना ही था। उनका बिहेवियर देख रहे हैं मोदी साहब का, कि वो तकरीबन हर बंदे के पास गए हैं और उनको उनके साथ हैंडशेक किया है, उनको प्यार दिया है, लोग भी उनको प्यार दे रहे थे। क्या कहेंगे बरुख साहब? मैं तो जो देख रहा था वही इम्प्रेसिव है। जब देखना जो बात आपको अच्छी लग रही है, चाहे वो आपका जितना भी आप कुछ जिन लोगों का भी आपके साथ तल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, वो जिस तरह का आप चाहे दुश्मन भी हैं उसमें अगर कोई बात खासियत अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मुझे यह सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी बात ये लगी है कि देखिए कि वो जब भारत ने उनके गले में वो रुमाल सा डाला था तो वो नीचे झुके हैं उनका, वो पहले झुकी और झुकी है और उनके पाँव को छूने की कोशिश की, तो मोदी साहब भी उसको झुके हैं पाँव, मतलब पाँव छूने के लिए। ये रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है जिस तरह आवाम ने दी है उससे डबल आगे से मोदी साहब ने लोगों को रिस्पेक्ट दी है। अकड़ाव नहीं है, गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को ऊपर ले जाती है। एक अक्सर कहावत कहा जाती है कि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं, फर्ज कर आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो आपने कभी चढ़ते हैं लोगों को देखा है किस तरह चढ़ते हैं? वो झुके होते हैं नीचे, तभी वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। तो जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो आपने शायद गौर किया होगा कि वो आगे को झुकते हैं तब आगे चढ़ सकते हैं। जब ऊपर से नीचे उतरते अगर आप सीधे होंगे तो वो नीचे तो आप आसानी से नीचे पीछे बैक आप भाई गिर जाएंगे। यही है कि ऊपर चढ़ने के लिए आगे झुकना पड़ता है। यही होता है ना कि भाई जो फल उनको उन दरख्तों को लगता है जो झुके होते हैं, जो सीधे होते हैं उनको फल नहीं लगता। जैसे सफेदा देख ले, बांस नहीं लेकर उनको फल नहीं लगता। ये जो बेर का दरख्त होता है, पौधा होता है, जामुन का होता है, वो झुके होते हैं भाई, उनकी टहनियां झुकी होती हैं, उनको फल लगा होता है। तो यही चीजें हैं भाई, अमरूद का फल देख ले, दरख्त जो होता है, पौधा होता है, वो भी झुका होता है, उसको फल लगा होता है। तो सिंबल का दरख्त होता है वो नहीं, उसको फल लगता, वो नहीं झुकता। तो भाई ये चीजें हैं, मोदी साहब ने तो भाई कमाल कर दिया है। वो इसलिए तो अपनी पब्लिक में पॉपुलर, आए दिन पॉपुलर हो रहे हैं कि उन्होंने एक तो अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ काम किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क को एक उस डगर पर डाल दिया है कि उसकी जो तरक्की है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक इकॉनमी हब बनने जा रहा है, वो भाई एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है उसकी तरफ उसकी दौड़ है। आगे भी उसकी मतलब कि जो टारगेट सेट किए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, रोड मैप देख रहे हैं आप, कोई फील्ड भी देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, हर फील्ड में भाई इंडिया जो तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे भाई गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। तो जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा हो तो भाई वो मुल्क तो फिर तरक्की करता ही है। ये एक और भी बात है कि जिस तरह की अवाम होगी ना उस तरह की आपको हुक्मरान मिलेगा, क्योंकि अवाम में से हुक्मरान निकलता है, अवाम में से हुक्मरान निकलते हैं ना। तो इसी तरह जिस तरह के आप आवाम का बिहेवियर होगा अक्सर लोगों का, उसी तरह का आपके हुक्मरानों का बिहेवियर होगा। अगर आपके आवाम मुखलिस हैं, अनेस्ट हैं, मेहनती हैं, तो आपके जो लीडर होंगे वो भी अनेस्ट होंगे, मेहनती। तो आवाम पे जो सिलेक्ट करते हैं वही अगर आगे लीडर रहते हैं। अगर हम गलत बंदे को सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो गलत ही आएगा, तो हम पर वो गलत काम ही करेगा। हमारे मुल्क में तो ये जो लानत है ये कब नहीं उतरेगी कि हम एक गलत बंदे को सपोर्ट कर देते हैं और वो आ जाता है, हमारा खून जो है वो चूसना शुरू कर देता है और हमारे मुल्क को डीग्रेड से डीग्रेड किया जा रहा है। तो हमें काफ़ी कुछ इंडिया की तरफ से भी ताने सहने पड़ते हैं। और भाई ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है, अमेरिका का जो दबाव है वो भी हम पर है, वो इसलिए कि हम उनसे जाकर भीख मांगते हैं। तो भाई हमारा तो यही हाल है। तो इंडिया भाई मोदी साहब का जो है ना लाइफ स्टाइल वो नीचे से ऊपर आए हुआ है और अच्छा है, वो आवाम का दर्द समझता है, इसलिए वो हर आदमी के पास कितनी लाइन लगी थी, दोनों साइड पर गए हैं और इतने घुल मिल गए कि कैसे वो उसकी फैमिली हो, लोग भी मतलब ऐसे मतलब पुरजोश में कि वो देखने के काबिल था। हालांकि जो इतना बड़ा लीडर होता है उनको सिक्योरिटी का बहुत मसला होता है, लेकिन उन्होंने टाइम भी शॉर्ट होता है, आते नहीं है वहां में लीडर, आते ही नहीं है। शाहजो नादर कभी को वोट लेना हो या कभी इस तरह का मामला तो यार छोटा सा हमारे एमएनएम वो नहीं करवाता यार, एक वजीर बन जाए तो वो नहीं करवाता। वो एक 1.5 करोड़
मतलब कि अरब जो आवाम है उसका वो पीएम है, तो वो भाई ये आवाम में ऐसे जैसे वो आप हमारे हल्के का देख लें, गुमन साहब है, कभी देखा अपने हल्के में आया हुआ है? भाई यही बात देखा 10-15 यही बात है ना, आजीजी है मोदी साहब में, हर किसी हर आदमी के साथ वो अच्छे इखलाक से मिलता है, तो उसकी कामयाबी का ये इरादा है ना। एक इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ये जो सियासी लोग लीडर आते हैं अपनी आवाम में, आवाम का एतमाद बढ़ता है। तो हम अक्सर, हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, जितना बड़ा लीडर होगा, जितना बड़ा मुल्क होगा, उनकी उतनी ज़्यादा मसरूफियात होगी, वो उसके दूसरे ममालिक में दौरे, अपने पता कितने इश्यूज होते हैं, लगातार इश्यूज होते हैं, उसके बावजूद भी अगर टाइम निकाल कर आते हैं तो रखते हैं तो वो उनका बड़ा काम। कैनेडा का जो वजीर आजम है ना, जस्टिन ट्रूडो, उसकी भी यही है कि जो भी अकलीतों के होता है ना त्यौहार, उसके साथ वो जाके मनाते हैं, मुसलमानों का वो उसने रोजा जाके खोला है। मैं तो उनको देख रहा था, वो साइकिल पर थे, जस्टिन ट्रूडो रोड्स पर साइकिल पर जा रहा था, तो एक लोकल शहरी था, उसने वो वीडियो बनाई है, लोकल शहरी ने उन्हें रोका, क्योंकि वो वाक पर निकलते हैं, तो उन्होंने रोका, उनसे इंटरव्यू किया। इस तरह आम शहरी है कि जिसने पता ही नहीं कि ये इस मुल्क का अपना हमारे भी ये नवासी वगैरह जो है जब बाहर जाते हैं तो आम शहरी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, जहाँ आकर वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो बादशाह बन गए हैं, उनके साथ लाहो लश्कर होता है, वो पता नहीं आपको क्या समझ। यही हमारी कमजोरी, यही भाई हमारे मुल्क को लेकर डूब रहा है। तो इंडिया में भाई ये चीजें जो आप कंट्रोल, पहले वहाँ इंडिया में भी ऐसा होता था, उन्होंने कंट्रोल कर ली है और अपनी आवाम में शऊर सबसे ज्यादा उन्होंने अपने मुल्क को गमजन कर लिया है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।